हाँ तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है जेपी जीपी का ही, इसमें क्या होते हैं सम निकालने का, जैसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200 से 400 विच इज डिविजिबल बाय सम, मतलब 200 400 बीच जितने भी नंबर हैं उनका सम निकालो जो साथ से डिविजिबल हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 200 की सीरीज बना लो 200 से 400 बीच में जो कि साथ से डिविजिबल है, 200 तो डिविजिबल हैं, 201 203 203 साथ साथ से डिविजिबल है, करके देख लो साथ सात दूनी 14 करेंगे तो कितना आएगा, हाँ इसको करके देखते हैं इसको, अब तो 203 सात दूनी 14 तो यहाँ 6 आता है और इसको 7 9 या मतलब 23 से ही कट जा रहा है। इसी प्रकार एक नंबर सोचो तो 210 आता है जो कि 7 से डिविजिबल होता है। इसी तरह से लास्ट जो डिजिट है इसमें बीच में क्या आएगा 3, 7 से डिविजिबल है हमारा। अब हम जानते हैं सम का फार्मूला क्या होता है, n बाई 2 ए प्लस एल। अब एल क्या होता है, वो हमारा टी एन होता है। अब हम एल तो समझते हो क्या होता है लास्ट टर्म, और ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और एन तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ऐसा नहीं हो जाता है। तो एस अब पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला होता है एन ए प्लस एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस। तो टी एन कितना दिया हुआ है, टी एन मतलब लास्ट टर्म, तो 399 तो दिया ही है, 203 हमारा फर्स्ट टर्म है और एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एन माइनस वन इक्वल टू 28 होता है और एन हमारा कितना हो जाता है 29 हो जाता है। बस सिंपल सा फार्मूला पुट कर दो, 29 बाई 2 203 प्लस 399 जोड़ लोगे तो 8729, मतलब कि इसके बीच में टर्म्स जो हैं सम करेंगे तो इतना हमारा आंसर आएगा। बस यही है क्वेश्चन।